नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अवस्थी, सहायक प्राध्यापक, नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षण प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की विस्तृत योजना होती है। ये लक्ष्य केंद्रित होते हैं। विषय अनुसार शिक्षण में जो आवश्यक होता है उसको शिक्षण प्रतिमान में लिया जाता है। ये शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते हैं। आज हम संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे। संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान को संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान एवं अवधारणा प्रत्यय प्रतिमान भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रवर्तक कौन हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर हैं, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1956 में इस प्रतिमान का विकास किया। यह मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की कैटेगरी में आता है, जो कि अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर आधारित है। जेरोम ब्रूनर का मानना था कि कॉन्सेप्ट लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि सभी आयु वर्ग में होती है, जिसमें व्यक्ति समान विशेषताओं या गुणों को विविध एवं जटिल वातावरण में अलग अलग करके समूह को बना लेता है। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। इस चित्र में क्या थीम दिखाई गई है वो आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कॉमन है। कि इस पिक्चर में अलग अलग वेदर्स के बारे में दर्शाया गया है, सन है, रेन है, क्लाउड है, इन सभी के बारे में आप देख करके उनके समान कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान लेंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट यह एक टीचिंग टेक्निक है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड थिंकिंग को प्रोत्साहित करती है। अब हम देखेंगे बेसिक एजम्पशंस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ब्रूनर के अनुसार मेंटल टेंडेंसीज दो प्रकार की होती हैं, जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन, जिससे कि व्यक्ति कॉन्सेप्ट को फॉर्म करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है और अटेनमेंट भी करता है। अब हम देखेंगे जनरलाइजेशन क्या है। यह समानता पर आधारित गुण या विशेषताओं को ग्रहण करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स समान हैं। कैटेगराइजेशन का अर्थ है वर्गों में बांटना, जिसके आधार पर बालक या व्यक्ति गुणों के आधार पर अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं और अलग अलग समूहों का निर्माण भी करते हैं। यदि हम एक पेन को कक्षा में डिमॉन्स्ट्रेट करें और उनसे विद्यार्थियों से पूछें, उसके विषय में हम विचार लें, तो सभी के विचार अलग अलग प्राप्त होंगे, जिससे उनकी पेन के प्रति कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाएगा। कि कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि इसका कलर के विषय में बोलेंगे, कुछ शेप के विषय में बोलेंगे, कुछ फंक्शनिंग के विषय में बोलेंगे, उनका सभी का कॉन्सेप्ट अपना अलग अलग दिखाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इससे चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एक कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को जनरलाइज्ड किया जा सकता है। जब हम एक कॉन्सेप्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक या विषय जो कि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो उससे संबंधी जो भी हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं उसके विषय में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हम उसको आसानी से जनरलाइज्ड कर सकते हैं। कि पर्टिकुलर रेप्टिलियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और जो भी हमको रेप्टिलियंस दिखाई देंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि रेप्टिलियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय क्या है। साधारण शब्दों में कॉन्सेप्ट का अर्थ है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू बनाना और उसको लेकर के आगे बढ़ना।
इसी प्रकार से अवधारणा दो या दो से अधिक वस्तुओं का तुलनात्मक विवेचन करके निष्कर्ष प्राप्त करना होता है, इसे हम अवधारणा कहते हैं, जिसमें कि तथ्यों के एकत्रीकरण के पश्चात अवधारणा का निर्माण होता है। बहुत सारे डाटा कलेक्शन हो जाते हैं, डाटाज का सेट बन जाता है, और उसके बाद हम यह डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर डाटा का जो सेट है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर लागू होता है। हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इज द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक थिंग सिंबल्स और इवेंट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कह सकते हैं कि ज्ञान एवं अनुदेशन का आधार संकल्पना या अवधारणा है। जो भी हमारा ज्ञान हम या अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस जो हम प्राप्त करते हैं बिना संकल्पना या हमारी अवधारणा या कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं हो सकता। सीखने हेतु अवधारणा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अगला मुख्य बिंदु है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेम। नेम इज द टर्म ऑफ लेबल गिवन टू पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो समाज है या हमारा जो एरिया है, दायरा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विषय होते हैं जिनमें कि एक पर्टिकुलर जिनकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनका कि कुछ नाम होता है जिसके द्वारा हम उनको पहचानते हैं। कई प्रकार की जैसे कि हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सभी को हम अलग अलग तरीक़ों से पहचानने की कोशिश करते हैं, उनका एक विशेष नाम होता है। सेकेंड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर डिस्टिंक्टिव कॉमन फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ये दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स। जो भी एट्रीब्यूट्स यानी कि विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अगला हमारा बिंदु है एग्जाम्पल। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट में से संबंधित बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो कि उसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। थोड़े बहुत विशिष्टीकृत विशेषताएं भी उसमें हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी उसमें हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अल्टरनेटिव वैल्यूज़। यह विशेषताओं या गुणों की डिग्री या मात्रा होती है जो कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में प्रेजेंट होती है। कितनी मात्रा में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किस कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट है इसको हम एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यूज़ के अंतर्गत रखते हैं। जब भी हम कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इन सारे बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी होती है। नेक्स्ट है रूल। इसके अंतर्गत फाइनल स्टेटमेंट होता है जिससे कॉन्सेप्ट की विशिष्टीकृत विशेषताएँ हमको दिखाई देती हैं और हम उनको उसी के द्वारा हम कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट हमारा होता है जो कि एंड की प्रोसेस होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए पहिया या चक्का व्हील जिसको हम कहते हैं एक सामान्य संकल्पना है जिसका मुख्य कार्य मोबिलिटी या गतिशीलता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पहिया का उपयोग किया जाता है। पहिया चाहे वह साइकिल का हो, मोटर कार का हो, ट्रक का हो, एरोप्लेन का हो, सभी का कार्य मोबिलिटी का होता है। पर इनमें कुछ जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, परंतु कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। प्रतिमान में तीन तरह की स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया गया है, रिसेप्शन स्ट्रेटजी, सिलेक्शन स्ट्रेटजी एंड अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के द्वारा शिक्षण कार्य को करते हैं तो उन तीनों जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कार्य कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को फॉर्म करें। इसके बाद है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड अटेनमेंट। जैसे ही हमको नेम प्राप्त हो जाता है, एट्रीब्यूट्स पता चल जाते हैं, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ के बारे में समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल्स समझ में आने लगते हैं, रूल्स हम बना लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फिर डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
इसको हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड अटेनमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला मुख्य बिंदु है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विवरण। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है फोकस, फोकस या उद्देश्य। यह प्रतिमान का ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर केंद्रित है। यह जो प्रतिमान है वो संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देता है एवं विद्यार्थियों में आगमन चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करता है एवं शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर का प्रयोग इस प्रतिमान में किया जाता है। जब भी कोई शिक्षण कार्य कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के द्वारा किया जाता है तो उसमें जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सरल से कठिन की ओर का प्रयोग इस प्रतिमान में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है सिंटैक्स, संरचना। इस प्रतिमान में सिंटैक्स में तीन चरण होते हैं, फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के तीन फेज होते हैं। फेज़ वन के अंतर्गत प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड फेज़ के अंतर्गत टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, फेज़ थ्री के अंतर्गत एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। ये तीनों फेजेस का प्रयोग इस सिंटैक्स में किया जाता है कि हम किस तरह से विद्यार्थियों में कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करें। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी तीन फेज हैं और हमारी तीन स्ट्रेटजीज हैं। कौन सी तीन स्ट्रेटजीज हैं? रिसेप्शन स्ट्रेटजी, सिलेक्शन एंड अनऑर्गेनाइज्ड मॉडल स्ट्रेटजीज। अब हम देखेंगे रिसेप्शन स्ट्रेटजी जो होती है वह शिक्षण प्रक्रिया के बहुत अधिक नज़दीक होती है। जो कॉमन हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है वह इसी पर बेस्ड होती है, जिसमें कि विद्यार्थियों में शिक्षक जो है वह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह सारी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर टीचिंग की जाती है, जबकि जो सिलेक्शन टेक्निक है उसमें स्टूडेंट अधिक एक्टिव होता है। हम दोनों ही टेक्निक्स को देखते हैं जो कि इस प्रकार है। दोनों के सिंटैक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट फेज़ वन हम देखते हैं। फेज़ वन के अंतर्गत सिंटैक्स रिसेप्शन मॉडल में पहला पॉइंट है फेज़ वन, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन। रिसेप्शन मॉडल में फर्स्ट पॉइंट है टीचर प्रेजेंट लेबल्ड एग्जाम्पल बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के समूह को नामांकित करके टीचर स्टूडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, रेप्टिलियंस, एम्फीवियंस, बर्ड्स एट्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स को के पिक्चर्स को, डायग्राम्स को या तो वह चार्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या डायग्राम बनाकर प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर सिलेक्शन मॉडल में टीचर प्रेजेंट अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स, बिना नामांकित किए हुए चित्रों को या वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को टीचर स्टूडेंट्स के समक्ष प्रस्तुत करता है। सेकंड पॉइंट है रिसेप्शन मॉडल में स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स, जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। जैसे ही विद्यार्थियों को मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट होता है, जितने भी जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट शिक्षिका करती है, उसके बाद वह उसमें कंपैरेटिव स्टडी चालू कर देते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स किस प्रकार के हैं, और वह जनरेट करते हैं और टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को कि पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फीवियंस का है, यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रेप्टिलियंस का है। कुछ जीव जो हैं वो जल में रह रहे हैं, कुछ जीव थल में रहते हैं और कुछ जीव दोनों ही स्थल पर रहते हैं। इसके बाद इस दूसरी ओर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं सिलेक्शन मॉडल में स्टूडेंट इंक्वायरी विच एग्जाम्पल्स आर पॉजिटिव एंड निगेटिव।
जैसे ही उनके समक्ष डिमॉन्स्ट्रेट होता है वैसे ही विद्यार्थी शिक्षक एवं सहयोगियों से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव है और कौन सा एग्जाम्पल नेगेटिव है। वह तुरंत ही कंपेयर करने लगते हैं, जैसे एक जैसी विषय वस्तु को या विषय वस्तु को वह अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, समान गुणों का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, रिसेप्शन मॉडल में स्टूडेंट नेम द कॉन्सेप्ट एंड स्टेट द डेफिनेशन। जैसे ही उनका कैरेक्टरिस्टिक्स उनको समझ में आ जाते हैं तो वह उस कॉन्सेप्ट का नाम और डेफिनेशन को बताते हैं, स्टेट करते हैं कि यह ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है। इसी प्रकार से सिलेक्शन मॉडल में स्टूडेंट जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। स्टूडेंट इसमें भी क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। अब हम देखेंगे फेज टू है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। रिसेप्शन मॉडल में हम सबसे पहले देखेंगे टेस्टिंग ऑफ अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। रिसेप्शन मॉडल के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल एज यस और नो। जैसे ही शिक्षिका के द्वारा लेबल डायग्राम दिखाते हैं उसी प्रकार से जैसे वो समझ जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट जो अनलेबल्ड डायग्राम है या चित्र है या विषय वस्तु या ऑब्जेक्ट है उनको भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कॉन्सेप्ट से ये मिलता जुलता है या नहीं। विद्यार्थी अन्य संबंधित उदाहरण जो कि अनलेबल्ड हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है, अटेन करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर सिलेक्शन मॉडल में स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल एंड अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स एंड जनरेट एग्जाम्पल। क्योंकि पहले ही सिलेक्शन मॉडल में अनलेबल्ड बिना नाम के चित्रों को या विषय वस्तु को या ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाता है तो विद्यार्थी वैसे ही उनकी इंक्वायरी अप्रोच अधिक हो जाती है और वो और अधिक एग्जाम्पल्स को भी चेक करने की कोशिश करते हैं, उनको भी कॉन्सेप्ट से रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं और नए प्रकार के एग्जाम्पल को जनरेट भी करते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है फेज टू के अंतर्गत रिसेप्शन मॉडल में टीचर कन्फर्म हाइपोथेसिस नेम कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट। जैसे ही विद्यार्थियों को यह समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, इसके और भी अधिक एग्जाम्पल्स ये हैं, तो वह उस कॉन्सेप्ट को कन्फर्म करता है टीचर से और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है जो कि जिसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स जो वास्तव में हैं उनको वह देखने की कोशिश करता है। इसी प्रकार सिलेक्शन मॉडल में टीचर कन्फर्म हाइपोथेसिस नेम कॉन्सेप्ट एंड रिलेट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। इसमें भी सेम वैसा ही होता है क्योंकि विद्यार्थी स्वतः सीखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जल्दी ही उनको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बनने लगती है और वह कॉन्सेप्ट उनकी क्लियर दिमाग में मस्तिष्क में होने लगती है। फेज थ्री है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजी। जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसको उसकी जो सिंटैक्स है उसको तीन फेजेस में अवस्थाओं में या चरण में डिवाइड किया गया था, फेज़ वन फेज टू और फेज थ्री, जो कि एक शिक्षण प्रक्रिया का अंग हैं। फेज़ वन हमने देख लिया, फेज टू देख लिया, अब फेज थ्री है जिसका मेन हेडिंग है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। जैसे ही कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होने लगता है तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार की थिंकिंग स्ट्रेटजीज या प्रोसेस उसमें होती है। तो दोनों ही जो रिसेप्शन और सिलेक्शन मॉडल स्ट्रेटजीज हैं उनमें दोनों में ही थिंकिंग प्रोसेस सेम होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यार्थियों के मध्य विचार विमर्श होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और इंडक्टिव थिंकिंग को प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद वे विशेषताओं को पहचानने की कोशिश करते हैं, एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ को देखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
इसके बाद परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और साथ ही उनका टेस्टिंग भी करते हैं। डिस्कशन के पश्चात कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन समूह में और इंडिविजुअल रूप से भी करते हैं। इसके बाद वह मूल्यांकन भी करते हैं। यह उनकी क्या थी, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। अब हम देखेंगे सोशल सिस्टम। पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है इस प्रतिमान के द्वारा, उसमें जो सामाजिक प्रणाली है इस प्रतिमान में, प्रारंभ में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक होता है, विद्यार्थी स्वयं सीखने पर बल देता है इसलिए वे क्रियाशील होते हैं, शिक्षक निर्देशक एवं अभिप्रेरक के रूप में होता है जो लगातार उन्हें हिंट देता है, गाइड करता है कि किस प्रकार से उनको एक्टिविटीज़ करना है। नेक्स्ट हमारा मुख्य बिंदु है सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक के द्वारा यह कार्य किया जाता है जिसमें कि ब्लैक बोर्ड और टीचिंग एड की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। एंड में मूल्यांकन हेतु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अब अगला बिंदु है हमारा प्रयोग। इस प्रतिमान का प्रयोग विशेष रूप से लैंग्वेज, भाषा शिक्षण, व्याकरण, गणित एवं विज्ञान में किया जाता है। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल टू द स्टूडेंट्स। किस प्रकार से विद्यार्थियों को इस प्रतिमान के द्वारा शिक्षण कार्य कराए जाने पर कौन से लाभ इसके द्वारा होते हैं। फर्स्ट है पावर ऑफ रीजनिंग इंक्रीज होता है, इमेजिनेशन एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका अधिक हो जाता है, एनालिटिकल एबिलिटीज फॉर्म होती हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले समूह में से हम किस प्रकार से एनालिसिस करें, सेल्फ स्टडी हैबिट्स में बढ़ोतरी होती है कि किस प्रकार से विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करें, नो स्ट्रेन ऑन द माइंड मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, विद्यार्थी समूह में रहकर कार्य करते हैं और स्वयं क्रिया करते हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बाद तुरंत ही एप्लीकेशन भी हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जैसे ही कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है और नॉलेज का अप्लाई भी तुरंत हो जाता है। गुड ऑब्जर्वर, इस प्रतिमान के द्वारा जो विद्यार्थी हैं वो एक अच्छे अवलोकनकर्ता के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कुछ स्टूडेंट एब्सेंट माइंड होते हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, इस कारण से वह भागीदारी इसमें नहीं लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संप्रत्यय निष्प्रत्ति प्रतिमान नेचुरल रूप से लर्निंग का प्रतिमान है, यह एक संज्ञानात्मक विकास का प्रतिमान है। इसमें विद्यार्थी सर्वप्रथम गुणों की पहचान करता है, समझता है, उनकी तुलना करता है, समान व असमान गुणों को डिफ्रेंशिएट करता है जिससे यह सामान्यीकरण करना, विशिष्टीकरण करना, समान गुणों का समूह बनाना, परिकल्पनाओं को निर्मित करना सीख जाता है जिससे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है और इसके पश्चात वह कॉन्सेप्ट को अटेनमेंट भी करता है जिससे कि उसे बहुत ही जल्दी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती हैं, उनसे संबंधी जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी वह ग्रहण करने की कोशिश करने लगता है जिससे उसमें स्वयं सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।